गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर करेंगे। मौखिक में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा राजा कुशल सिंह से क्यों खुश थी? इसका आंसर है क्योंकि राजा नेक व पराक्रमी राजा थे, इसलिए प्रजा राजा से खुश थी। क्वेश्चन 2 है, राजा ने मंदिरों का निर्माण करवाने की क्यों सोची? उत्तर है इसका क्योंकि राज्य में बहुत कम मंदिर थे, इसलिए राजा ने निर्माण करवाने की सोची थी। क्वेश्चन 3 है, राजा मूर्तिकारों को पारिश्रमिक किस रूप में देता था? इसका उत्तर है पारिश्रमिक सोना व हीरे जवाहरातों में देते थे। मौखिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। लिखित में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी देश राजा कुशल सिंह से क्यों जलते थे? इसका आंसर है पड़ोसी देश राजा कुशल सिंह की खुशहाली और लोकप्रियता से जलते थे। सेकंड क्वेश्चन है, राजा किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाना चाहते थे? राजा अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाना चाहते थे। क्वेश्चन 3 है, राजा ने कबूतरों को डराकर उड़ाने का आदेश क्यों दिया? राजा ने कबूतरों को डराकर उड़ाने का आदेश इसलिए दिया ताकि पता चले कि कबूतर कहां से आए हैं। क्वेश्चन 4 है, सिपाही मंदिर की छत पर क्या देखने के लिए चढ़े? सिपाही मंदिर की छत पर देखने के लिए चढ़े कि इसमें कोई सुराग तो नहीं है। ये क्वेश्चन मौखिक और लिखित कंप्लीट हो चुके हैं। आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।